जो कोई भी हो घंटा अपनी जगह लगा दो, वरना मैं शोर मचा के पूरे गांव वालों को इकट्ठा कर लूंगा। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है गजानंद भैया, अब जब तुमने देख ही लिया है तो यह घंटा हम तुम्हें दे देते हैं। लो काका आपने सुना क्या बेटा? मंदिर का घंटा चोरी हो गया। क्या? अरे बाबा तुमने सुना मंदिर का घंटा चोरी हो गया? ठाकुर साहब आपने मुझे बुलाया। अरे आइए आइए विक्रम सिंह गुज्जर। अरे हमारे गांव में स्वागत है आपका। नए आए हो इसलिए बुलाया। हम ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह, इस गांव के बड़े ठाकुर। यहां पे जो हवा भी चलती है ना तो हमसे पूछ कर चलती है। यहां जो लोग सांस लेते हैं ना वो भी हमसे पूछ कर लेते हैं। यहां पर परिंदा पर भी मारता है ना वो भी हमसे पूछ कर, क्योंकि हर परिंदे की परवाज हमारे हाथ में है, जब चाहे हम खींच लें। पर एक समस्या आ गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। वो जो मंदिर है ना वो हमारे दादाजी ने बनाया, और जो चांदी का घंटा चोरी हुआ है वो भोले बाबा को अर्पित किया, वो हमारे दादाजी का घंटा है। जीजाजी दादाजी का घंटा नहीं, दादाजी की निशानी घंटा। अरे हाँ वही। बस हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप इसे ढूंढ लें, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ घंटा नहीं है। हमारे गांव पर जितनी समस्याएं आती हैं, जितनी विपदाएं आती हैं, उसका निदान है। खुशियों और शांति का प्रतीक है। बस कभी कभी डर लगता है मुझे कि कहीं ये घंटा नहीं मिला तो हमारे गांव पर फिर से समस्याएं ना आ जाएं। शुभ शुभ बोलिए जी, आज हमारे इकलौते बेटे वीरेंद्र का जन्मदिन है और आप हैं कि समस्या और परेशानियों की बात लेकर बैठे हैं। लीजिए दान दक्षिणा का सामान भी आ गया, अब इसे जल्दी जल्दी गरीबों में बंटवा दीजिए। अरे तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी हमसे आज। अरे बेटे का जन्मदिन, हाँ अरे पहले क्यों नहीं बताया मुझे,
कहाँ है हमारा बेटा? वीरेंद्र, वीरेंद्र। प्रणाम बाबूजी। बेटा जन्मदिन की शुभकामनाएं। झुक झुक जियो। जी। बस यही मेरी मनोकामना है, खुश रहो हमेशा। गरीब आए जरा दान दक्षिणा करके आ जाएंगे आप? जाइए। जी बाबूजी। मैं भी आता हूँ वीरेंद्र तुम्हारी मदद के लिए। रहने दीजिए मामा जी, हर बार की तरह कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो बाबूजी की डांट सुनेंगे। मैं संभाल लूंगा। जाओ बेटा। जी अभी जाइए। जी। तुम्हें कहाँ थे इंस्पेक्टर साहब? घंटे पर। मेरा मतलब है घंटे की बात पर। पहले जाओ वीरेंद्र की मदद करो, जाओ चलो जल्दी करो। जी। वैसे ठाकुर साहब, चोरी हुए चांदी के घंटे के बारे में काफी कुछ आपसे मालूम हुआ, लेकिन जाते जाते इतना और पूछना चाहूंगा कि आखिर इसको चुराए जाने में किसका हाथ हो सकता है? कहर सिंह। जी देखिए, कहने के लिए तो ये रामगढ़ है। उस रामगढ़ में एक ही ठाकुर था जिसके हाथ नहीं थे। इस रामगढ़ में दो ठाकुर हैं जिनके पास चार हाथ हैं। मेरे हाथ हमेशा लोगों की मदद करने के लिए उठे हैं, और उसके हाथ लोगों पर जुल्म करने के लिए। अरे क्या हुआ पिताजी, इस नीच ने फिर कोई गलती की है क्या? अरे जब तक ये कोई गलती ना करे और हमसे जूते ना खाए, इसका तो दिल ही नहीं निकलता है। हमने ससुरे से कहा कि हमारे नहाने के लिए पानी गर्म कर दे, तो इसने इतना गर्म कर दिया कि हमारी उंगली जल गई। वो तो अच्छा हुआ कि हमने सर पर पानी नहीं डाला, नहीं तो हमारे बाल और खाल दोनों जमीन पर आ जाते। अरे अभी कितने बेवकूफ हो, बात बात में लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हो। हटो पीछे। ए पहाड़ सिंह, हवा सिंह, ले जाओ इसे, लेके जाओ। चलो आओ। ठाकुर साहब, गांव में नए दरोगा जी आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा। नमस्ते ठाकुर साहब। बैठिए। जी। क्या बात है दरोगा, यहाँ कैसे आना हुआ? आप तो जानते ही होंगे ठाकुर साहब कि कल रात को इस गांव के मंदिर से चांदी का घंटा चुरा लिया गया। तो आपको क्या लगता है कि हमारे दादा का लगाया हुआ घंटा हमने या हमारे बेटे ने चुराया है? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। दरअसल अभी मैं बड़े ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की हवेली से आ। एक मिनट दरोगा जी, तुम इस गांव में नए हो इसलिए बता दूं, इस हवेली में बड़े ठाकुर का नाम लेना पाप है, पाप। और दूसरी बात, देखो दरोगा, वो बड़ा वाला हमारा भाई जरूर है लेकिन सौतेला और जानी दुश्मन। और जिस घंटे की तुम बात कर रहे हो ना, वो हमारे दादा की भी निशानी है, याद रखना। मुझे आप लोगों की आपसी दुश्मनी से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो सिर्फ घंटा चुराने वाले चोर से। अरे तो यहाँ क्या लेने आए हो, हैं? पता करना है तो मंदिर जाओ, मंदिर के रखवाले उस पंडित से पूछताछ करो जो चोरी वाली रात दूसरे गांव में शराब पीकर नचनिया का नाच देख रहा था और झूम झूम के ठुमके लगा रहा था, और यहाँ तक कि सरपंच और सचिव भी साथ थे। पंडित? तो तुम हो पंडित? पंडित नहीं सर, पंडित पुरैया। लगता है नाम तुम्हारे बाप ने टिपू सुल्तान नाटक देखकर रखा होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि पंडित पुरैया अपने खानदान की नैया
एक दो कोड़ी के नचन जाके ठुमको में डुबाए। क्या बात है सर, क्या डालूंगा सर, जवाब नहीं आपका सर। क्या जवाब नहीं, जब देखो तब सांप की चमचागिरी करते रहता है, मेरी तरह ज्ञान की बातें किया कर। अगर तुम लोग खामोश रहो तो मैं आगे की कार्यवाही करूं। कीजिए सर। कार्रवाई? कैसे कार्रवाई? पहले ये बताओ कि ये कौन है और ये कौन है। सर मैं जानता हूँ सर, ये गांव का सरपंच है सर और ये गांव का सचिव है। अब ये बताओ कि गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति होकर नचनिया का नाच देखने क्यों गए थे? साहब भोला कसम खा के कह रहे हैं साहब, हम गए नहीं थे, हमें ले जाया गया था। तुम तो चुप ही रहो पंडित, जब सुबह पूरे गांव वालों के सामने काला करके घुमाऊंगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। काला करके? सब कुछ ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, काला ही काला, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। अब सच सच बताओ कि गांव की जिम्मेदारियां छोड़कर नौटंकी देखने क्यों गए थे? क्या तुम्हें ये पता नहीं है कि गांव के मंदिर से चांदी का घंटा चोरी हो गया? मंदिर का घंटा चोरी हो गया और एक आदमी का खून हो गया और एक औरत पागल हो गई। मुझे तो ये सारी तुम्हारी मिलीभगत लगती है। मिलीभगत? सच सच बताओ, वरना ऐसी आवभगत करूंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। सच तो ये है इंस्पेक्टर साहब, हम तो सोने जा रहे थे तभी दरवाजा खटखटाया किसी ने। अरे पंडित दरवाजा खोल। कौन है रे? अरे पंडित सत्यानाथ जा क्या? अरे पंडित चल बाहर निकल, ये घर के पिछवाड़े से क्या घुसे चले जा रहे हैं? अरे घुसे क्या चले जा रहे, देखो कौन आया है। कौन है? अरे सचिव तुम? हाँ नहीं तो। अरे गजू तुम? प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। तू कब आया बम्बई से? अरे मांझा रे, मांझा क्या कर रहा है, कमर टूट जाएगी बुड्ढा कहीं का। काहे नाराज हो रहे पंडित जी? हा? आपके लिए एक अच्छा सा संदेश लेकर आए। हाँ नहीं तो बताओ सरपंच। अच्छा? हाँ, अरे पास के गांव में रासलीला चल रही है, गज्जू बता रहा था। हम तीनों जा रहे थे, सोचा तुम्हें भी ले लें। अरे यार ऐसा ना करे, हमें बहुत जोर से नींद आ रही है। अरे यार समझाओ ना। अरे कैसी बातें करते हो जी, जाते क्यों नहीं रासलीला देखने? हमें तो बड़ा ही शौक है रासलीला देखने का, पर ये हमारे घुटनों का दर्द तुम्हारी तरह हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। चुप। तो कहो तुम्हारे घुटनों का दर्द है? अरे नहीं, कहने का मतलब है दर्द थोड़ा ज्यादा है आज। अरे पंडिताइन ठीक तो कह रही पंडित जी, एक काम करो अपनी बैलगाड़ी निकालो, उसमें लदकर हम एक साथ निकलते हैं। हाँ। जी ठीक है। हाँ। हाँ। सही तो कह रहे हैं, और हम भी वहाँ में लद के और चल देंगे साथ में। हाँ। हाँ। नहीं तो। अरे बैल बीमार पड़े हमारे यार। अरे तो बैल बीमार है ना, गधा थोड़ी ना। गधा कह रहे तुम हमको यार? भाभी जी बात का पतंगड़ा काय को बना रहे हो पंडित जी, बैठो, चलना है तो चलो, नहीं तो हम तो जा रहे हैं। हाँ नहीं तो। हाँ तो तुम जाओ। अब भाभी जी बोलो। अरे तुम ही तो कहते हो कि भगवान के काम में कभी मना नहीं करते। चलो जाओ, जब देखो जब भाषणबाजी करती रहती है। हाँ जा रहे ला दे। चुप हो जा, बड़ा खुश हो रहा है। चलो 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 चलो। हाँ पंडित आओ, पंडित जी जल्दी आओ, आओ, आओ रासलीला निकल जाएगी। जो दरवाजा बंद कर लियो। हाँ हाँ। अरे आओ पंडित। ये कहाँ देख रही है? जा रहे जा रहे। चलो पंडित जी। आ रहा हूँ। ए सरपंच, लालटेन में तेल भरा है ना? ए सरपंच मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, लालटेन में तेल भरा है कि नहीं भरा? अरे बताना। अरे पंडित थोड़ी देर शांत नहीं रह सकते हो क्या? अरे पंडित जी देख नहीं रहे सरपंच जी रही है। अरे तो नहीं तो क्या सीधा? अरे यार तो। अरे जंगल में अंधेरे में जा रहे, डर नहीं लगेगा क्या पंडित? ए गज्जू गलो सूख रहा है, गज्जू देना पीने को। सचिव ये पी ले। ये का है, ये का लिखो है? कालो कालो। अरे कालो कालो नहीं है, कोला कोला है। गज्जू मुंबई से लेके आया है, मैंने कह लिया इसको पीने से दिमाग झनझना जाता है, बदन में फुर्ती आ जाता है। सच्ची? पी लो। आप पी लो। अरे यार गज्जू चला मुझे भी दे यार। ए पंडित तू भी पी के देख। अरे बाग गज्जू
इधर आ यार मेरे बेटे। अरे वो एक और दे गज्जू। अरे इसको पी के तो दिमाग जन्नत हो गया जन्नत। अब आएगा मजा रासलीला देखने में। सारी रात नशे में गुजरी और फिर आप उठा लाए। एक बात कहे साहब, हमारी घिनौनी करतूत के बारे में गांव वालों को मत बताना साहब, हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी साहब। हाँ ठीक है ठीक है, तुम्हारा चौथा साथी कहाँ है? गज्जू। ओ साहब, दे नौटंकी का नाम ना लो हमारे सामने। उस गज्जू ने हमें दारू पिला पिला के पिला पिला के पिला पिला के खज्जू बना दिया। हाँ नहीं तो वो कहीं मिल जाना तो। बस बस, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो तुम्हें मिले तो सबसे पहले मुझे खबर करोगे। हाँ साहब, हाँ साहब। इससे पहले कि कोई तुम्हें थाने में देखे, निकलो यहाँ से। चल चल भागो भागो भागो। अरे हुआ का है, कुछ बताओगे भी?
या यूं ही घुग्गू की तरह इस दीवार को ही ताकते रहोगे? तुम तो छुपी रहो पंडितानी, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। हमारे कारण? और नहीं तो क्या, ना हम रास्ते ना देखने जाते, ना घंटा चोरी होता, ना वो पुलिस वाला हमें थाने में बुलाकर हमारी बेइज्जती करता। अरे पंडित जी, तो आप कौन सा मंदिर में बैठकर रात भर चौकीदारी करने वाले थे? और वो घंटा तो आपके घर में रहते हुए भी चोरी हो सकता था, और इन सब के लिए आप हमें क्यों दोष दे रहे हैं? हमने तो आपको वहाँ इसलिए भेजा था ताकि जब आप वहाँ से लौट कर आए तो हमें बता सके कि रासिला कैसी रही और क्या क्या हुआ। अब क्या बताए पंडित भाई, अगर हमने बताया कि रासिला कैसी हुई तो हमारी धोती ढीली हो जाएगी। जब लोगों को मालूम पड़ेगा कि हमने शराब पीकर नचनिया के साथ ठुमके लगाए, फिर तो धोती नीचे ही गिर जाएगी। अरे भगवान, पूरे जंगल बचा लियो। कुछ बोलेगा? अरे कुछ नहीं बोले हम, काम करो अपना, जाओ यहाँ से। काम ही कर रहे थे और जा रहे हैं। हाँ तो जा, भाग भाग भाग। लाश भी ठीक है कि भेज दिया रासिला में हो। लक्ष्मी मुझे बताओ, मैं पिछले आधे घंटे से यही सवाल पूछ रहा हूँ और तुम बार बार वही जवाब दिए जा रही हो। कुछ तो बताओ, उस रात को इस वारदात को किसने अंजाम दिया था? यही है वो, यही इसी ने मंदिर का घंटा चुराया, मेरे पति को मारा, मेरा बच्चा चुराया, यही है, यही है। सर, ये पागल है, इसकी बातों मत आइए। देखिए, ये पागल आपको भी पागल बना देगी, मुझे भी पागल बना देगी। इसके पागलपन में फंसने से अच्छा है कि हम इस पागल को पागल खाने भेजते हैं। बात तो तुम ठीक कह रहे हो, अगर ये यहाँ रहेगी तो हमारे किसी काम की नहीं नहीं है, और अगर इसे पागल खाने में इलाज के लिए भेज दिया गया तो शायद हमारे काम आ सकती है, और अगर बाद में इसकी बात सच निकली तो कहाँ गया? गया। शुभांगी। हाँ। यह हमारे गांव का सबसे पुराना मंदिर है, यहाँ जो मन्नत मांगो सब पूरी होती है, लेकिन मन्नत दिल से मांगनी पड़ती है। यार पप्पी, मैं शहर से तेरे गांव घूमने आई हूँ, कोई मन्नत वन्नत मांगने नहीं आई, और वैसे भी भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, बस तलाश है तो एक अच्छे जीवन साथी की। तो जीवन साथी ही मांग ले, अच्छा वर मिलेगा। पप्पी सही कहती है बिटिया, भगवान के आशीर्वाद से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। ये फूल ले लो, ये मन्नत के फूल है, जो मांगोगी वो मिलेगा, भोले बाबा सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। पंडित जी, मैं ये सब नहीं मानती, और वैसे भी मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जीवन साथी बहुत ही हैंडसम होगा, बिल्कुल सलमान की तरह। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? अपनी शक्ल देखी है आईने में? देखी है ना, आपके सलमान से तो काफी अच्छी है। लेकिन सलमान की इतनी बड़ी बड़ी मूछे नहीं होती। अरे मूछे तो ठाकुरों की आन बान और शान की निशानी है। अब कहने को तो मूछे पंडित जी की भी नहीं है, तो क्या पंडित जी सलमान खान बन जाएंगे? क्यों पंडित जी? अरे भैया, मुझे अपने पछड़े में मत घसीटो। अरे मैडम, अपना ये फूल तो लेते जाओ। इसे तो तुम अपने पास ही रखो, मुझे कुछ मिले ना मिले तुम्हें जरूर कुछ मिल जाएगा। मिल जाएगा नहीं, लगता है मिल गया। तो बताइए क्या समस्या आप लोगों की? ठाकुर साहब, रामगढ़ में कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कभी हम हमारे पुरखों से सुना करते थे, और वो है पानी की। ठाकुर साहब, बारिश होने की वजह से नदी में पानी तो आ रहा है, लेकिन उसका पानी रहस्यमय तरीके से उतर रहा है, पता नहीं ये पानी जाता कहाँ है। ठाकुर साहब, सबसे पहले तो गजानन की मौत हुई,
उसके बाद में उसकी पत्नी लक्ष्मी बेचारी पागल हो गई। और तो और ठाकुर साहब, उसके कोख में जो बच्चा था वो भी मर गया। ठाकुर साहब, लगता है हमारे गांव को किसी की नजर लग गई है। अब तो पूरा गांव आपके भरोसे है। बाबूजी, अगर बारिश के दिनों में नदी का जलस्तर लगातार गिरता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा गांव सूखे की चपेट में आ जाएगा। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो। समस्या तो है, लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है। हमारे दादाजी के समय भी ऐसा ही हुआ था। तब हमारे दादाजी ने प्रण लिया था कि वो महादेव को चांदी का घंटा अर्पित करेंगे, लेकिन जब से दादाजी का घंटा चोरी हुआ है ना। जीजा जी, दादाजी का घंटा नहीं, दादाजी की निशानी घंटा। अरे वही तो बोल रहा हूं मैं। तो तब से विपदाएं बढ़ गई हैं। इस समस्या का बस एक ही समाधान है कि उस चांदी के घंटे की जगह पे कोई सोने का घंटा अर्पित करे। और हम प्रण लेते हैं आप लोगों के सामने कि बहुत जल्द सोने का घंटा हम अर्पित करेंगे। बड़े ठाकुर साहब। हाँ बस करो, जाइए जाइए। सुन बेटा। जी बाबूजी। जरा अपनी माँ को बुला ले, बोल थोड़ा अर्जेंट बुलाया मैंने। जी। बैठ बैठ बैठ। ये बीच बीच में क्यों घुसता रहता है तू? ये नुक्ताचीनी करने की आदत कब जाएगी तेरी, बोल। जीजा जी, नुक्ताचीनी नहीं करूंगा तो लफ्जों के मायने नहीं बदल जाएंगे। नुक्ता गलत लग गया तो खुदा से जुदा, जुदा से खुदा नहीं हो जाएगा। खुदा से जुदा, जुदा से खुदा, बस यही करता रहे तू। जा अपनी दीदी को देख, आई क्यों नहीं अभी तक। जी। लो जी, मैं आ गई। लो। हाँ जी, आइए आइए, पधारिए। जी कहिए, क्या बात है? अरे आपको हमने इसलिए बुलाया, हमारा जो बेटा है ना, हमारी तरह जवान हो गया है। अच्छा जी, तो क्या शादी नहीं करवानी उसकी? कोई लड़की वड़की देख रखी है क्या आपने? हाँ, कनकपुर गया था, वो मेरे पुराने दोस्त है ना दशतलाल जी, वो मिल गए। उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र छेड़ा, मैंने अपने बेटे का। अच्छा, फिर क्या, कल आ रहे वो लोग दावत पे खाने के लिए, और कल सब कुछ तय हो जाएगा। अरे मर गए। अरे देखो जी, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने बेटे के रिश्ते के बारे में मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी। ठीक है। और अगर ये लड़की मुझे पसंद नहीं आई तो बाद में अपनी दोस्ती की दुहाई मत देते बैठना। एकदम सही जा रही हो माँ। सच कहूँ ना तो मुझे भी इस रिश्ते में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो तुझे किस में दिलचस्पी माँ, है? ऐसा कुछ नहीं है। तू चिंता मत कर, तेरी पसंद ही मेरी पसंद है। सच माँ? हाँ हाँ सच। यस। खबर तो बहुत अच्छी लाया है। हाँ सिंह, ये बड़ बोले बड़े वाले के प्रण लेने से कुछ नहीं होगा। इस बार मंदिर में सोने का घंटा हम चढ़ाएंगे। लेकिन मालिक, हमेशा की तरह सारा गांव बड़े ठाकुर की तरफ है, फिर ये सब कैसे मुमकिन होगा? पार सिंह, दुनिया में सब मुमकिन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, उसके बाद गेम खुद बा खुद अपने पाले में आ जाता है। कैसा गेम छोटे मालिक? अरे वो तुम दोनों नहीं समझोगे, ये इतना लंबा है कि इसकी अकल घुटने में है, और तू इतना छोटा कि तेरी हवा में। समय आने पर सब समझ में आ जाएगा। अरे बेटा, वो हरिया के घर से वसूली करनी थी, हो गई? पिताजी, उसने आज तक का समय मांगा था, अगर वो आज पैसा नहीं दे पाया तो कल उसके घर का एक एक सामान उठा लाएंगे। शाबाश, अच्छा है, बहुत अच्छा है। दशरथ जी आने वाले हैं, उनकी बेटी के साथ तेरा रिश्ता तय करने जा रहा हूँ मैं। लेकिन बाबूजी। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, देखो किसी भी वक्त आने वाले हैं, तू इधर उधर कहीं जाएगा नहीं। जी। लो आ गए, जल्दी से आ जाना, मैं जाता हूँ। अरे आइए आइए दशरथ जी, सुस्वागतम। कल परसों बात मुलाकात हुई और आज रिश्ता लेके पहुँच गए हम। अब देखिए ना, कितनी अच्छी बात है कि हमारी जो दोस्ती है रिश्तेदारी में बदलने वाली है। अरे बाप रे, ये अंकल हमें कहाँ ले आए? मतलब? ओ, फूलों वाली मैडम। वो देख। ओ नो। ये मूछों वाला यहाँ? अरे बेटी शुभांगी,
अरे ठाकुर साहब के चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद ले लो। नहीं 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 पिताजी, मैं यही ठीक हूँ, चल जल्दी। ड्राइवर गाड़ी फौरन रिवर्स गियर में डालो और चलो यहाँ से। अरे चली क्यों गई? अरे लगता है शर्मा गई। अच्छा बाप पे गई मतलब? हाँ। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते भाभी जी। आइए आइए। प्रणाम। अरे आइए आइए जी। भांजे मुझे लगता है वो शर्मा के नहीं घबरा के भागी है। एकदम सही पकड़े हैं मामा जी, आपने शादी नहीं की लेकिन बारातें बहुत देखी हैं। वो किसी और से नहीं मुझसे ही घबरा कर भागी है। वो क्यों? आकर बताता हूँ। अब तो कहाँ चला? उसी शर्मीली गुड़िया के पीछे। पिछले दो साल से कर्जा लेके बैठा है और कहता है सब चुका दूंगा। अबे जब चुकाने की औकात नहीं होती तुम लोगों की तो कर्जा लेते ही क्यों हो? अबे बाकी किसानों की तरह खुदकुशी करके मर क्यों नहीं जाते? मालिक आजकल तो यही सब चल रहा है हिंदुस्तान में। क्यों रे आवा सिंह? जी मालिक। बता तो इसको क्या चल रहा है आजकल? मालिक पहले नंबर पे तो फुसफुस चल रहा है और दूसरे पे किसानों की खुदकुशी मालिक। सुना तूने? देख खुदकुशी करने या मेरे हाथों मरने से अच्छा है ये घर ये जमीन मेरे नाम कर दे। मालिक बदले में कर्जा भी माफ कर दूंगा और कुछ पैसा भी मिल जाएगा। और अगर नहीं माना तो एक मिनट में भेजा बाहर कर दूंगा। मेरे भैया को छोड़ दो, मेरे भैया को छोड़ दो मालिक। ये सब क्या हो रहा है तेरे गांव में? कोई कुछ बोलता नहीं है? ये तो आए दिन होता ही रहता है। छोटे ठाकुर और उसका बेटा कर्ज देकर लोगों को इसी तरह फंसाते हैं। छोड़ दो वरना मैं अकेली रह जाऊंगी। छोड़ दो मालिक मेरे भैया को छोड़ दो। छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे अकेली रह जाएगी? हम सब है ना तेरा साथ देने के लिए। क्या रे हरिया, अबे जब वसूली के लिए इतना जबराट तेरे पास फिर क्यों दया की भीख मांग रहा है, हैं? 10 मिनट की बात है, मैं तेरी बहन के साथ कमरे में रहूंगा, फिर तेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा और इसका राशन कार्ड भी बन जाएगा, हैं? देख 10 मिनट में सब ठीक हो जाएगा। मालिक छोड़ दो। अरे और औरत की इज्जत इतनी हल्की नहीं होती जो सरेआम कोई भी उसे तार तार कर दे। अगर दोबारा इसे हाथ लगाया ना तो सीधे जेल की हवा खिलवाऊंगी, समझा? अरे है कौन तू? मैं जो भी हूँ तुझे और तेरी घटिया सोच को मिटाने के लिए काफी हूँ। अरे लड़की है या झांसी की रानी? कितने रुपए है तेरे बोल? ब्याज समेत 55,000 रुपए। ये ले रख ले, 70,000 की है और जो बच जाए उसको भीख समझकर रख लेना। मुझे भीख देती है? प्रीतम छोटे ठाकुर की बिगड़ी औलाद, जब तक तेरा कर्जा नहीं चुका था तो हम चुप थे, अब तू इस तरफ देखना भी मत। अभी तो जाता हूँ लेकिन बहुत जल्दी मिलूंगा तुझसे, याद रखियो छोड़ूंगा नहीं तुझे।
दशरथ काका के पास जल्दी लौट जाओ, वो गाड़ी मंगवा रहे हैं। जी मजा आ गया ठाकुर साहब। बिल्कुल कुछ भी कहिए भाई साहब, शुभांगी है बड़ी प्यारी बच्ची, भाई हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। हाँ बस अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई कर देते हैं। दरअसल जीजा जी वो शुभांगी के पीछे गया है उसको मनाने के लिए। हा? लगता है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अच्छा पहले से जानते हैं? हाँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे शुभांगी कहाँ है? तुमको उधर देखो बोर्ड लगा है, फालतू बैठना मना है। ए छोटू क्या लेके आया ये? साहब लस्सी मांगी ना, लस्सी है ये। ये लस्सी है? छाछ से भी बदतर, तेरे बाप ने देखी है कभी लस्सी कैसी होती है? साहब मेरे बाप ने देखी भी थी और पी भी थी, लगता है तेरे खानदान में लस्सी नसीब ही नहीं हुई। अच्छा तो एक काम कर इसे, तू ही पी। अबे क्या किया तूने? मैंने नहीं किया साहब, उसने किया। शुक्र है आप लोला पार्टी की दुनिया से बाहर तो आए, कब से ऑर्डर के लिए खड़ा हूँ। चल छोटू मेरे साथ। जी सर। सच कह रहा है हवा सिंह, अगर वो लौंडिया कहीं दिख गई ना, माँ कसम छोड़ेंगे नहीं उसे। तुम लोग यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। हाय हाय मैडम, आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? तुमसे मतलब? मतलब है
क्योंकि तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने। प्रीतम हट जा वहां से। अरे वीरेंद्र भाई साहब, आप और यहाँ, और आपको क्या ऐतराज है मेरे यहाँ बैठने पर? ये ढाबा ताऊ ने खरीद लिया है क्या, और साथ में ये लड़की भी? प्रीतम जबान संभाल के बात कर। अरे बाप रे, डर गया मैं तो। देखो वीरेंद्र भाई साहब, ये एक सार्वजनिक जगह है और यहाँ की हर चीज सार्वजनिक होती है, जैसे ये टेबल, ये कुर्सी, ये ढाबा और ये लड़की। इस लौंडिया की वजह से अपने भाई पे हाथ उठा दिए तुम, हैं? अभी बताते हैं तुम्हें। रुक जाओ प्रीतम बाबू। माना कि सार्वजनिक जगह की हर चीज सार्वजनिक होती है, लेकिन ऐसी चीजों और जगह पर देश और देश के कानून का अधिकार होता है और उसकी जिम्मेदारी होती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो जंगल राज कायम हो जाता, और अगर अब जरा भी गुंडागर्दी या मनमानी की तो सीधा हथकड़ी डालकर ले जाऊंगा। अभी तो जा रहे हैं हम, लेकिन छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, अपना बदला लेकर रहेंगे। ऐसी भपकियों से वो डरते हैं जिनकी रगों में खून की जगह पानी भरा होता। मैं ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह का बेटा हूं, जा जो कर सके कर लेना। अबे जा रे, चलो रे। नाम क्या है इसका? साहब इसका नाम जगे फपुंदर साहब, पूरे गांव में चोरी करता साला, और चोरी करके उसे बेच के शराब पी दे, और तो और साहब हमने इसे रंगे हाथ पकड़ा है घंटा बेचते हुए। अरे ये तो मंदिर का घंटा है, चुरा कर लाया क्या? ये घंटा चोरी का थोड़ी है, ये मुझे गांव के पीछे एक खंडर में मिला है। बोल कितना देगा? चोरी नहीं किया है। तूने चोरी नहीं किया, तूने चोरी नहीं किया, तो ये घंटा जो है नए मंदिर के निर्माण के लिए क्या? चल जाने, साहब ही तुझे उगलवाएंगे। जब ये घंटा मैंने चोरी नहीं किया तो तुम्हारे साहब क्या घंटा उगलवाएंगे? अब तो ये है जग्गी फपुंद, जिसने पूरे गांव में घंटा चोरी होने की फपुंद फैला रखी है। जरा मैं भी तो देखूं इसके हाथों की कलाकारी। अभी बता दो सर। ये देखिए सर, साहब ये घंटा साहब। अबे ये तो लोहे का है। अरे साहब आपको क्या लगता है मेरे पास क्या डाविड साहब का घंटा निकलेगा? क्या बोला? मेरा मतलब चांदी का घंटा निकलेगा क्या? बेटा अब जब तू हाथ में आ ही गया है तो चांदी के घंटे तक भी हम लोग पहुँच ही जाएंगे। कोई हासिल नहीं होगा हैं? क्योंकि मुझे चांदी के घंटे के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तूने कभी इंडोस्कोपी का नाम सुना है? ये एक ऐसी डॉक्टरी प्रक्रिया है जो कैमरा शरीर के अंदर डालकर देखा जाता है कि बीमारी क्या है। वैसे ही मेरा डंडा भी इंडोस्कोपी का काम करता है। और ये प्रक्रिया 10-12 बार करने पर अंदर के सारे राज बाहर आ जाते हैं। राम सिंह, ज्ञान सिंह, यस सर, इसे अंदर ले चलो। यस सर। ने किया, अब हम क्या करते देख। ले इसको अंदर। चले डंडा ले, मजबूत ला, मजबूत एकदम। मुझे भी दे। सर डंडा बंद कर, बंद कर।
सर, डंडे टूट गए। कितने सारे डंडे टूट गए, ये नहीं टूटा। सर, मुझे लगता है ये आदमी ने घंटा चोरी नहीं किया। सर, मुझे भी लगता है। ये बहुत अच्छा आदमी सर। अच्छा आदमी है। ठीक है, इसे छोड़ दो, पर इस पे नजर रखना। हाँ सर। ये सर। जानता हूं वीरेंद्र और उस लड़की ने तेरी कितनी बेइज्जती की है। तू फिक्र मत कर बेटा, हम बदला लिए बगैर चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने जो करना था वो कर लिया, अब हमारी बारी है। चल मेरे साथ। एक बात बता सरपंच, समझ में नहीं आया, ये तूने परसों पंचायती घोषणा क्यों कर दी, जबकि तू अच्छी तरीके से जानता है कि हमारे गांव के बड़े ठाकुर ही बड़े मुखिया है, है? और वो ही मंदिर पर घंटा चढ़ाएंगे। फिर सारे गांव को बुलाकर पंचायत करने की घोषणा का ये क्या नाटक है? जिस दिन मंदिर में सोने का घंटा बड़े ठाकुर ने चढ़ाने का प्रण लिया, उसी दिन छोटे ठाकुर ने हमें अपनी हवेली बुलाया और कहने लगे, ए बाबा जी के सरपंच, हम चाहते हैं कि इस बार बाकायदा पंचायत बिठाई जाए और सबके सामने फैसला हो कि मुखिया कौन है। और जो मुखिया होगा मंदिर पे घंटा भी वही चढ़ाएगा। आई बात समझ में? अब अगर उस दिन हम छोटे ठाकुर की बात ना मानते और पंचायत ना रखते तो वो हमारे दुश्मन हो जाते, और फिर मुखिया चुनना पंचों का और गांव वालों का काम है। अब जो होगा वो पंचायत में देखा जाएगा। देखा नहीं जाएगा। होगा वही जो मैं चाहूंगा। अरे छोटे ठाकुर, आप और यहाँ क्यों? पोंगा पंडित हमारे यहाँ आने पर पाबंदी है क्या? अरे नहीं छोटे ठाकुर, इस मंदिर में आपका बड़े ठाकुर का बराबर का अधिकार है, क्योंकि यह मंदिर आपके दादाजी ने ही तो बनवाया था। बस आप में और बड़े ठाकुर में एक फर्क है कि आप लोगों पे अत्याचार करते हैं और वो दया करते हैं। बड़े ठाकुर को कुछ नहीं मिलता है तो वो लोगों को छोड़ देते हैं, और आप छीनने में ही विश्वास रखते हैं। तो क्या करें, क्या करें? हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता है इसलिए छीनना पड़ता है। सौतेला होने की सजा हमेशा भुगतनी पड़ी है हमें, हमेशा हमेशा भेदभाव हुआ हमारे साथ, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि परसों की पंचायत में तुम पोंगा पंडित और ठुल्लू सरपंच, तुम दोनों ऐलान करोगे कि अगले मुखिया हम होंगे। हम करोगे कि नहीं? असंभव है छोटे ठाकुर, जब हम तीनों ही आपके पक्ष में नहीं तो यह पूरा गांव आपके पक्ष में कैसे हो सकता है? मैं जानता था पिताजी, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, इन्हें इनकी करतूत दिखानी ही पड़ेगी। गज्जू। हाँ सरकार। आ जा बेटा। गज्जू तू? हाँ नहीं तो इनके साथ और नहीं तो क्या। अरे मैं पिछली बार जब आया था तो आपकी कुछ फोटो उतारी थी। फोटो? फिर बम्बई गया, डेवलप करा के लाया, सोचा आप लोगों को दिखा दूं। दिखा। हाँ दिखा देते। आओ दिखा।
देख लिया अपनी हरकतों का नमूना। सोचो सोचो, अगर ये वीडियो भरी पंचायत में सारे गांव वालों के सामने दिखा दिया जाए तो क्या होगा? छोटे सरकार मुझे बताने दीजिए, मेरे अंदर का नटखट शैतान उछल उछल के फुदक फुदक के बताना चाहता है कि इनकी करतूतें क्या हैं। बताऊं? ठीक है, बता बता बता। पता है कल जब पूरे गांव वालों को पता चलेगा कि ये तीनों महापुरुष अनारकली डिस्को चली की गली में गए थे तब क्या होगा? अब ठाकुर साहब आप जैसा चाहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ए, पोंगा पंडित, अपनी बात पे कायम रहना पंडित, समझ गया? हम पंडित याद रखना ठाकुर साहब ने जो बोला है। अरे पंडित जी दरवाजा खोलो, मैं सचिव। इतनी रातों क्या कर रहे हो तुम? जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ? ये देखो। अरे अरे क्या हुआ तुमको? अरे पंडित बहुत परेशान है, रात भर से नींद नहीं आ रही तो है। कहां लोरी क्या सुना है तुम्हें? अरे टट्टी पर टट्टी लगे जा रही है। अरे मतलब ये है इनको एक अजीब बीमारी है, जब ये ज्यादा टेंशन में होते हैं तो हर थोड़ी थोड़ी देर में पेट दुख कर इनको टट्टी आती है। क्या? ये देखो फिर आ गई। अरे कौन आ गई? अरे टट्टी और क्या। अरे अरे जाओ ना तुम यहाँ से, बोला यहाँ से लेके बाहर तक गीला पीला कर दोगे तुम। चलो सरपंच जी। अरे चलो जाओ। आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो सचिव? इनका लोटा लेके घूम रहे हो क्या? जाके सो क्यों नहीं जाते? चलो नींद खराब करने चले जाते। ठहरो ठहरो सचिव भैया, पहले हमारी बात तो सुन लो। हाँ हाँ हाँ। हमको लगता है कि आप लोगों को हिम्मत करके सारी बातें कल सुबह बड़े ठाकुर को बता देनी चाहिए। हाँ, ताकि इनकी जो है ना टट्टी पूरी ही निकल जाए। अरे नहीं पंडित जी, ऐसी बात नहीं है। हमें लगता है कि वो जरूर इसका कोई ना कोई हल निकाल देंगे। और फिर हमने कहीं सुना भी है कि डर के आगे जीत है और जीत के आगे हार। हाँ नहीं तो। इसलिए हमारी बात मानिए और अपने दिल से सारा डर निकाल दीजिए और सुबह जाकर सारी बातें बड़े ठाकुर को बता दीजिए। हाँ तुम सही कहती हो पंडिताइन, जब मरना ही है तो ढंग से मरा जाए। अरे ठाकुर साहब आप नहीं जानते हमारी हालत बहुत खराब है, हम बहुत बेचैन हैं। अरे हमसे ज्यादा तो वो सरपंच की हालत खराब है। कल वो हमारे घर आया था, धोती ढीली थी, आगे से गीली पीछे से पीली थी, बदबू का भंडार बना हुआ था वो। उसके जाने के बाद हमने 5 अगरबत्ती जलाई, सच कह रहे हैं। अभी तो पंचायत का एक दिन एक रात बाकी है, कहीं वक्त के गुजरते गुजरते सरपंच ना गुजर जाए। ठाकुर साहब सच कह रहे, छोटा ठाकुर बहुत बदमाश है। हो गया, अब कुछ कहें आपसे? हमारे पास हर समस्या का समाधान है, आप जाइए भजन कीर्तन कीजिए आराम से, जाइए जाइए। ठीक है मालिक, धोती गीली होने से बच जाएगी सरपंच। बेटे बच्चों। जी बाबू जी। समझ गया? जी समझ गया। जा, हिंग लगे न फिटकरी रंग चौखा। आया टाइम करो मालिक, छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। बोल जमीन मेरे नाम करता है कि यही ठोक डालू? टाइम करो मालिक, छोड़ दो मुझे। मार साले को। आटो आटो और मार। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। बड़े ठाकुर साहब गए थे हम उनके पास, उनने भरोसा दिलाया था कि पंडित तुम जाके पूजा करो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। रात होने को आ गई है, कोई खैर खबर लेता ही नहीं हमारी। पंडित पंडित इंतजाम हो गया है। अरे कौन सा इंतजाम हो गया? हाड़ी तो चलो 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 चलो।
ये तो फांसी का फंदा है। अरे तो इसका क्या करना है? अरे करना क्या है, यही आखिरी रास्ता है सचिव। फांसी के फंदे पर लटक जाओ, सारा टंटा ही खत्म। क्या पंडित? सुझाव बुरा नहीं है तुम्हारा सरपंच। सबसे पहले हम लटकेंगे फांसी पर। अरे नहीं, 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 नहीं। सबसे पहले हम चढ़ेंगे। सुझाव भी मेरा है, फांसी का फंदा भी मेरा है, पर परेशानी भी है मेरे को। अरे यार देखो सरपंच, ऐसा है फांसी पर चढ़ोगे तो बाद में टट्टी तुम्हारी पहले ही छूट जाएगी और हम दोनों बदबू के मारे ही मर जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम लटकेंगे फांसी पर। नहीं नहीं नहीं, नहीं। सबसे पहले हम लटकेंगे। सबसे पहले हम लटकेंगे कह रहे ना। अच्छा ठीक है, ना तुम ना हम। क्यों? सबसे पहले सचिव को लटका देते हैं और फिर सिक्का उछाल के देख लेंगे कौन लटकेगा हम दोनों में से। ठीक है सचिव, आ जा। अरे आ जा, लटक जा। चल चल, हम नहीं लटके। मेरी बात सुनो, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, हम इसको उठाते हैं, तुम फंदा से गले पर डाल देना। अरे हम नहीं मरना चाहते। हाँ नहीं तो क्यों? देखो पंडित, मरना किसी समस्या का समाधान नहीं है। ये लड़का ठीक कहता है अवधूत बाबा। इंसान अपनी परेशानियों से घबरा कर मौत को गले लगा कर ये सोचता है कि उसे सुकून मिल जाएगा, परंतु मरने के बाद उसकी आत्मा और परेशान हो जाती है। ईश्वर उसी की परीक्षा लेता है जिसे वो पसंद करता है। तुम उसी परीक्षा से गुजर रहे हो, आगे राहत ही राहत है। तुम घबराओ मत बच्चों, मायूस ना हो, जिंदगी कभी भी बदल सकती है। जय महाकाल। हमारे पूर्वजों का मंदिर अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलो सरपंच, बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो। अरे पंडित, दस्त का सैलाब है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, पानी की तरह बह रहा है, आवाजें आ रही हैं। अरे शांत रहो यार, इतनी देर तक कैसे बैठ पाओगे तुम? अरे ये तो सचिव ने बहुत अच्छा काम किया है। क्या किया? अरे वो लेके आया है, पहना दिया, वो बच्चे पहनते ना। अरे क्या बोलते हैं? अरे डाइपर। अरे सरपंच पता तो है तुम्हें। अरे तुम भी ना यार कुछ भी करते हो। पंडित कैसा है? अच्छा नहीं हूँ साहब, घबराहट हो रही है, हालत बहुत खराब है। अरे सब कुछ ठीक होगा, चिंता बिल्कुल मत करना। अरे क्या हो गया इसे? वो बताया था ना मैंने आपको। हाँ हाँ, वो तू यहाँ क्या कर रहा है? घर जा। अरे साहब ठीक है साहब, रोक लेंगे। डाइपर पहन के आया, डाइपर पहन के। अरे वो क्या होता? चुप रहो तुम, बच्चों को पहनाते ना वो। अच्छा नमस्कार भाई साहब। चलिए हम भी विराजमान हो जाते हैं। चलो भाई कार्रवाई शुरू करो। सबसे पहले हम बोलेंगे। देखिए ऐसा है, रामगढ़ के वासियों को कहर सिंह का सप्रेम प्रणाम और यहां के गणमान्य व्यक्तियों को भी। आज ये पंचायत शुरू होने से पहले हम आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं।
देखिए पिछली दो पीढ़ियों से मुखिया के चुनाव के लिए इस गांव में घोर पक्षपात होता आया है। घोर पक्षपात। हमारे दादाजी के बाद हमारे बड़े वाले भैया के पिताजी को मुखिया बना दिया गया और उनके बाद बड़े वाले को। चुनाव सार्वजनिक रूप से कभी नहीं हुआ है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? हमेशा ये पोंगा पंडित है? और ये सरपंच, इनको मुखिया चुनते आए हैं। पर हम ये कहते हैं कि अब ये पक्षपात बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद। अरे चुनाव हम सबका अधिकार है, हमें अपनी सूझबूझ से चुनाव करना चाहिए। क्यों भैया? तो आज हम ये चाहते हैं कि ये पोंगा पंडित और सरपंच आप सबके सामने ये ऐलान करें कि आज के बाद मुखिया कहर सिंह होंगे। क्यों, ठीक है ना? तो तालियां बजाइए। ए पोंगा पंडित, सरपंच, उठो, चलो उठो, ऐलान करो। मेरे प्यारे गांव वासियों, छोटे ठाकुर साहब ने जो भी कुछ कहा है वो इनके दृष्टिकोण से एकदम सत्य है। लेकिन छोटे ठाकुर साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, ये कटु सत्य है। और सत्य ये है, आज से 300 साल पहले इन दोनों ठाकुरों के दादाजी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यह घोषणा की थी कि गांव का पंडित ही गांव के मुखिया की घोषणा करेगा। और मुखिया कैसा हो? मुखिया ऐसा जो पक्षपात ना करे, मुखिया ऐसा जो गांव वालों के दुख दर्द को समझे, उन्हें समझे, उनकी परेशानियों को समझे। लेकिन तब से लेके आज तक छोटे ठाकुर के खानदान में ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो मुखिया बन सके। इसलिए मैं पंडित होने के नाते ये घोषणा करता हूं कि इस गांव के मुखिया बड़े ठाकुर होंगे। पंडित, कौन किस चीज का हकदार है ये अभी पता चल जाएगा। ए गज्जू। हाँ सरकार। जरा दिखा तो वो रात वाला वीडियो पूरे गांव को। दिखाता हूँ इनकी फिल्म। गज्जू बनाएगा सबको खज्जू। देखो भाई लोग, इन तीनों के कारनामे। इसे देखने के बाद आप खुद ही फैसला कर लेंगे कि ये पंडित और सचिव यहाँ रहने लायक हैं कि नहीं। देखो 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 प्रीतम, सब लोग तो देख चुके हैं, अब जरा एक नजर तुम भी डाल लो। कंजू। हाँ? ये तेरे पे चला। किसने किया ये सब? बंद कर, बंद कर। अरे नहीं छोटे, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है सबसे पहले वही गिरता है, और तू गिर गया उस खड्डे में। अरे क्या खड्डा वड्डा, क्या बात कर रहे हो खड्डे वड्डे की। धोखा हुआ है हमारे साथ, बहुत बड़ा धोखा। किसी ने चाल चली है। चाल नहीं, चाल पे चाल है, दहले पे दहला है। तो देखो ग्रामवासियों, अब हम ये घोषणा करते हैं कि बड़े ठाकुर इस गांव के मुखिया हैं, और मुखिया होने के नाते मंदिर में घंटा भी बड़े ठाकुर ही चढ़ाएंगे। बड़े ठाकुर। दिखता नहीं।
ये क्या हाय हाय कर रहे हैं सब? चलो भाई भाई करो। छोटा ठाकुर, निकल लो उसको भी। छोटा ठाकुर, देख लेंगे हम, देख लेंगे तुम सबको, छोड़ेंगे नहीं। कहर सिंह नाम है हमारा। चलो भाइयों चलते हैं। हानी तो चलो चलो रे सब। बड़े ठाकुर, अरे वाह वीरेंद्र बाबू, आपने तो कमाल कर दिया। भोले बाबा की कसम, आपने ये सब किया कैसे? पंडित जी, गज्जू ने ही आप लोगों का वीडियो बनवाया था, इसीलिए मैंने उसे ही धरता पूछा और मौका पाते ही वीडियो चेंज कर दिया था। आप नहीं जानते वीरेंद्र बाबू कि आपने हमारा कितना बड़ा काम कर दिया। अरे उस कुत्ते कमीने लुच्चे नास बेटे गज्जू ने तो हमारी बेइज्जती की व्यवस्था करवा ही दी थी। हाँ पंडित जी, हाँ गज्जू की मुझे भी तलाश है, कहाँ मिलेगा? आप थोड़ा लेट हो गए आने में इंस्पेक्टर साहब। क्यों वीरेंद्र बाबू, अभी अभी पूरे भूतों की पार्टी यही मौजूद थी। छोटे ठाकुर के साथ अभी गया यहाँ से। दार हराम सादे, तेरी वजह से पूरी योजना बर्बाद हो गई, साथ ही रही सही इज्जत भी चली गई, मुखिया बनने का सपना भी चूर चूर हो गया। मुझे माफ करना ठाकुर साहब, मैंने कोई गलती नहीं की। दार को माफी नहीं मौत मिलती है। मौत। गज्जू का तो काम तमाम हो गया पिताजी, लेकिन ये दिल की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक वीरेंद्र को ठिकाने नहीं लगा देता। उस दिन वीरेंद्र ने हमारा फेंका जाल हम पर ही फेंक कर पूरे गांव के सामने जलील किया है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। ये घुटन मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही पिताजी, मैं अभी उसका खेल खत्म करके आता हूँ। रुक जा बेटा, रुक जा, ये सही समय नहीं है बदला लेने का। कानून और समाज दोनों हमारे दुश्मन बन जाएंगे, धीरज रख। इस बेइज्जती की शर्मिंदगी तो हम भी महसूस कर रहे हैं, पर तुझसे कहीं ज्यादा। माँ की कसम, ऐसा बदला लेंगे। ये जो बड़ा वाला भाई है ना, इसके पूरे परिवार को जलाकर राख कर देंगे। माँ की कसम है हमको। इधर आ। जी छोटे ठाकुर। वीरेंद्र को देखा है कहीं? नहीं देखा। वीरेंद्र को कहीं देखा है तुमने? पक्का? पक्का छोटे ठाकुर। झूठ नहीं बोलना। नहीं देखा। चलो जा। ठाकुर साहब, वीरेंद्र बाबू कहाँ है? जब देखो घबराए हुए रहते हो। अरे यही कहे गया होगा। अभी अभी हम देख कर आ रहे हैं, छोटे ठाकुर वीरेंद्र बाबू को जान से मारना चाहते हैं और पूरे गांव में ढूंढ रहे हैं। उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरे बेटे को छू भी नहीं सकता। अरे ये बंदूक लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? अपने बेटे को बचाने। चल रहे, गाड़ी निकाल, चल जल्दी कर, चल जल्दी कर, मैंने बोला ना। शांत नहीं बैठेगा, वो बदला लेने की ताक में लगा ही रहेगा। अरे शुभांगी, इतना आसान नहीं है किसी को मार देना। कानून और समाज का डर सबको होता है। Oh!
जी। पिताजी, पिताजी। हुई चिता की कसम पिताजी, जिस तरह आपकी चिता जल रही है, बड़े ठाकुर का एक एक दिन चलाऊंगा, फिर मैं सोने का घंटा तो मैं ही चढ़ाऊंगा। मिस्टर वीरेंद्र, हमने ऑपरेशन करके आपके पिताजी की गोली निकाल दी है। जब तक होश नहीं आ जाता कुछ नहीं कह सकते। अगर आपने हमारी जरूरतों का पूरा सामान शहर से नहीं मंगवाया होता तो सच मानिए हम कुछ नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, आप वो सब छोड़िए, आप ये बताइए हम और क्या कर सकते हैं। धैर्य रखिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि ठाकुर साहब को होश आ जाए, क्योंकि आगे का ट्रीटमेंट उसी आधार पे होगा। डोंट वेरी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। प्लीज एक्सक्यूज। क्या कहा? गच्चू की मौत हो गई। हाँ नहीं तो। ये बहुत बढ़िया हुआ, सारे फसाद की जड़ वो गच्चू ही था। दोनों ठाकुरों में गोलीबारी हुई, छोटे ठाकुर पर लोग सिधार गए। ये भी अच्छा हुआ, ये भी बहुत बढ़िया हुआ। बात बात तो फोटो खींचा था हमारी। लेकिन बड़े ठाकुर, मैं तुरशैया पर लेटे हुए हैं। सरपंच, अब तो कुछ भी हो सकता है। तुम ठीक कहते हो पंडित, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरी विद्या कहती है 10 दिन के अंदर भोले को घंटा अर्पित नहीं किया गया तो गांव में मुसीबत बढ़ सकती है। मुसीबत बढ़ सकती है पंडित, मेरी बात याद रखना, मुसीबत बढ़ सकती है 10 दिन के अंदर। और उन सारी मुसीबतों का कारण बनूंगा मैं। बड़े ठाकुर तो मरेंगे मेरे पिता के हाथों मारी गोली से, और उनका परिवार मरेगा मेरे हाथों। उसके बाद भोले के मंदिर में घंटा चढ़ेगा मेरे हाथों। उसके बाद भी अगर कोई बीच में आया जिंदगी ने निभाई है कब किससे यारी, सब मरेंगे बारी बारी। मेरे पिता की चिता के साथ साथ सबकी चिताएं जलेंगी, सबकी। ये जो अद्भुत बाबा है ना, उन्होंने कहा है कि 10 दिन के भीतर भीतर अगर मंदिर में घंटा नहीं चढ़ा तो बहुत बड़ा संकट आ जाएगा और कोई अनहोनी भी हो सकती है। सरपंच जी, अगर ऐसी बात है तो पहले शहर जाकर सोने का घंटा खरीद लाता हूँ, जिसका ऑर्डर बाबूजी ने कुछ दिन पहले दे रखा है। अबे हवा, सोने का घंटा आने वाला है। छोटा सरकार, कल सुबह वीरेंद्र ठाकुर शहर जाकर सोने का घंटा लेकर आने वाले हैं, क्योंकि अद्भुत बाबा का कहना है 10 दिन के अंदर अंदर मंदिर में घंटा नहीं चढ़ा तो परिणाम बहुत बुरे होंगे। मेरे यहाँ बहुत बुरे परिणाम तो हो चुके पहाड़ सिंह, अब तो परिणाम उन्हें भोगना है जिनके पक्ष में पंचायत ने फैसला सुनाया है। वीरेंद्र, एक बात पूछूं तुमसे?
पूछो। जब पहली बार मैं तुमसे मंदिर में मिली थी तो उल्टा तुम्हें ही डांट दिया था, तब तुम्हें मुझ पर गुस्सा तो बहुत आया होगा। बिल्कुल नहीं। I love you, वीरेंद्र। ठाकुर की तरफ से हमारे मंदिर पे सोने का घंटा चढ़ने वाला है। मैंने तो सोच रखा है सुबह ही सुबह सोने का घंटा बजाऊंगा और पूरे गांव को जगाऊंगा। हाँ, बस आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है कि हमारे इस कार्य में कोई बिघन नहीं आना चाहिए। बस पंडित जी आ गया बिघन। हमारे हर बुरे कार्य की शुरुआत इसी पनौती से होती है। अगर अब कुछ गड़बड़ हुई तो ये बहुत पिटेगा, फिर हमसे आप मत कहना। कैसे हो सचिव, कैसे आना हुआ? अरे पंडित जी, मैं तो ये कह रहा था कि आज पास के गांव में रासलीला हो रही है। सचमुच की? हाँ, नहीं तो चलोगे क्या? रासलीला के लिए भला मैं कैसे मना कर सकता हूँ? हाँ नहीं तो। अरे पंडिताली भी तो कहती है प्रभु के कार्य के लिए मना नहीं करना चाहिए। चलेंगे, जरूर चलेंगे। पक्का? जरूर। जरा पीछे पलटो। हाँ बिल्कुल। हाँ नहीं तो। ये क्या है? लात है लात। रासलीला देखने के लिए चलो। अरे तुम चाहते हो कि हम फिर से बेवकूफ बन जाएं? फिर कोई कच्चू जैसा आकर हमारा सटिंग ऑपरेशन करे और हमें अंदर करवा दे। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम। लीजिए, आपका सोने का घंटा आपके मंदिर तक आ पहुंचा है। अब बताइए क्या करना है। अरे आप तो सीधा लेके मंदिर ही आ गए घंटे को। तो क्या हुआ? मेरा मतलब यह है
कि जब सही मुहूर्त निकलेगा तभी चढ़ाएंगे। सही मुहूर्त पे सही चीज चढ़ाई जाए तो सही फल मिलता है। हाँ नहीं तो अभी इसे अपने घर ले जाओ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमारे खानदान का एक उसूल है कि दान में दी हुई वस्तु वापस घर नहीं ले जा सकते, खासकर कि वो जो मंदिर में दे चुके हों। ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसको मंदिर में कैसे रख सकते हैं? अरे पंडित, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारा घर पास में है, इस घंटे को अपने घर में क्यों नहीं रख लेते हो? हाँ नहीं तो। अरे तू तो चुप ही रह। अरे इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमें मत दीजिए। ये सचिव तो बचपन से ही बेवकूफ है, तो बड़ा होकर अकल मिलती की बातें कैसे कर सकता है भला। एक काम कीजिए, इस घंटे को आप कहीं और रखवा दीजिए। हाँ सबसे अच्छा यही होगा कि ये घंटा आप अपने घर ले जाएं, क्योंकि हमें किसी और पर विश्वास भी नहीं, तो ये आप अपने पास रखिए। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, हमने कह दिया ना, संभालिए इसे। हाँ नहीं तो। हाँ लीजिए। अरे अबे हवा, शेर से घंटा आ गया है बे। हाँ बे। शाबाश, बहुत बढ़िया खबर लाए हो तुम लोग। अबे कैसे कर लेते हो ये सब हैं? ठाकुर साहब आपने सुना ही होगा, हवाओं के भी कान होते हैं, और मैं तो हूँ ही हवा, और हवा की क्या दवा। और पहाड़ सिंह, तू किस मर्ज की दवा है? सरकार, जब हवा की हवा निकल जाती है ना, तो पहाड़ सिंह अडिग और अटल खड़ा रहता है, और उससे टकराने वाली सारी शक्तियाँ चूर चूर हो जाती है। देखता हूँ घंटा चुराने में तुम लोगों की क्या भूमिका नजर में आती है। मौका पाते ही उड़ा लाओ घंटा। क्या बात है शुभांगी, तुम बहुत परेशान लग रही हो। शहर से पिताजी का फोन था, दादी बहुत बीमार है, मुझे फौरन ही शहर के लिए निकलना होगा। कल सुबह ड्राइवर गाड़ी लेकर आएगा, मुझे जाना ही होगा। अरे तो अब ड्राइवर को बुलाने की क्या जरूरत है? कहो तो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं नहीं वीरेंद्र, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हारी यहाँ माँ और बाबूजी को बहुत जरूरत है। हम कितने खुशनसीब हैं जो तुम जैसी समझदार लड़की हमारी बहू बनकर आ रही है। सुनो बेटी, कल सुबह जाने से पहले मंदिर में पंडित जी से मिलते हुए जाना, और अपनी कुंडली भी दे देना। हम चाहते हैं कि ठाकुर साहब के ठीक होते ही शादी की तारीख पक्की कर ली जाए। हे भोलेनाथ, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी इस गरीब को दे दी। अब घर में कोई ऐसी गुप्त जगह भी तो नहीं है कि तुम्हें छुपा के रख सकूं। अभी तो कितने सारे दिन बाकी हैं, कहीं चोर डाकू आ गए तो क्या होगा? अरे पंडित जी, कोई नहीं आएगा। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो घबराहट में आपको जरूर कुछ हो जाएगा। इसे लपेट कर रख दीजिए। अरे तू खुद चादर लपेट कर सो जा, ये कोई घंटा लेगा तो परेशानी में पड़ जाएंगे हम। आधी रात हो गई है, आप भी सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। हाँ सो जा, तू सो जा, ले ले खराटे फर फर। ना स्मृति, हे भगवान, ये सब सचिव का किया धरा है। तुम्हारी कसम भोले बाबा, अगर अभी सचिव मेरे सामने आ जाए, सारे का शरीर फोड़ दूंगा मैं। ये पनौती जहां। अरे पंडित जी, ये तो अभी शुरुआत है, अभी तो 7 दिन और 7 रातें बाकी है, और जिसमें ये घंटा तुम्हारे गले में घंटी बनकर टंटनाटन बजता रहेगा। मैं तो कहता हूँ रात को नींद की गोलियां खाकर सोया करो पंडित जी। अबे नींद की गोली तो मैं तुझे खिलाऊंगा, साले अभी रुक, आज ही छोड़ूंगा तुझे, आज तुझे। ये क्या कर दिया बड़ी धाली तूने? कहाँ जाते हो? हमको मारकर खुद रंडा होना चाहते थे क्या? हम तो सचिव को मतलब कि कल खजूरे को मार रहे थे। तुमने तो ब्रह्मांड ही हिला दिया। अभी तो पहली रात भी नहीं गुजरी है,
हम पंडितानी को निपटाने लगे थे, अभी तो 7 दिन 7 रातें बाकी है, क्या होगा घंटे। भगवान फिर लेट हो गया मैं, भगवान आज फिर निलाने में देरी हो गई, क्षमा करना। अरे पंडितानी, ओ पंडितानी, अरे सुन, हमारा सामान ले जल्दी से। का है, क्यों हंगामा मचा रहे हो? अरे हंगामा नहीं, दे रहे हो सामान, दे दे। ये लो तुम्हारा सामान। हो ठीक है, जा रहे हम। हाय राम। क्या? अरे क्या है? अरे यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हें हो क्या गया है, रात भर से अजीबोगरीब हरकतें कर रहे हो। अब देखो अपनी धोती की जगह हमारा पेटीकोट बांध लिए हो। देख ले, कच्चा तो तेरा नहीं है। कैसी बातें करते हो जी, आपने कभी देखा है कि हमें कच्चा पहने? फालतू की बात करवा। अरे अरे अरे, ये भारी भरकम घंटा लेके कहाँ जा रही है? सोने का। तुम्हारी आरती जो उतारनी है, दिख नहीं रहा है, उठाकर रख रही हूँ, रात भर से इसे जो लेकर बैठे हुए थे। अरे यार देख, ये धोनी कैसी पड़ी है यहाँ पे नीचे, ये यहाँ क्या कर रही है? सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये वही धोनी है जिससे रात को तुम हमें धोने वाले थे। अगर हमने तुम्हें ना धोया होता तो तुम तो हमें दुनिया से ही धो चुके होते। हाँ अब कहाँ करे पंडिताई, तुम्हारे अंदर हमें वो कमीना सचिव दिखाई दे रहा था, बस इसीलिए टूट पड़े। अच्छा, पहले तो तुम्हें हमारे अंदर श्री देवी दिखाई देती थी और अब ये फालतू के लोग दिखाई देने लगे हैं। नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, तुम्हारे अंदर तो श्री देवी हमें आज भी दिखाई देती है। तो जी चल, तो बोला धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ हाँ जाओ तू। ओम नमः शिवाय बोल। अबे पंडित तो गया। अबे ओहो, ये पंडित जी तो अपना सारा सामान यहीं भूल गए, कुछ भी करते रहते हैं। जल्दी से ये सामान उन्हें देकर आती हूँ, वरना पता चला किसी आते हुए यहीं चले आएंगे। आजकल इनको क्या हो गया है, जाते कुछ कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, कभी कुछ भूलेंगे कभी कुछ भूलेंगे। अबे पंडित आइन भी गई। हाँ बे। अरे पंडित जी। हे भगवान, सचिव की आवाज आई। सचिव की आवाज आई, हमारा कान बोल है। पंडित जी प्रणाम। प्रणाम, कहाँ घूम रहे टोपी बात टिपटा बन के? अरे पंडित जी, हम तो तुम्हारे पास ही आ रहे थे। क्यों? अरे प्रसाद खाने के लिए। प्रसाद तो तुम्हें जूता का मिलेगा बेटा। हे भगवान। अब समझ में आया हमें। क्या? कि कल रात को हमें जान से मार डालने की साजिश तुम दोनों की थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो इसको धोने की बात कर रहा था। चुप करो तुम। अरे देखो पंडितानी, अरे ये वही सचिव है जिसने अपने घर में सोने का घंटा छोड़कर फिर यहाँ पर आ गए तो। हे राम, अरे तुम अपना जो ये पूजा का सामान घर भूल कर आए थे, जा रहे हैं। पूजा का सामान छोड़ कर आए थे, कोई घंटा ले गया सचिव कहाँ चला गया? अरे कहीं सला सपना तो नहीं देख रहे हम? बोले ना, बोले। हे भगवान, ये घंटा तो हम यही रख कर गए थे, कहाँ गया होगा? कहीं चोरी तो नहीं हो गया? पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए पंडित जी। घर में रखा ठाकुर साहब का सोने का घंटा कहीं भी नहीं मिल रहा है। हमें तो लग रहा है कहीं वो चोरी ना हो गया हो। संभालिए। हे भोलेनाथ। पंडित जी, चल चल चलते, जल्दी चल। हे भगवान, घंटा खोल के पता कहाँ रखा था घंटा तूने? भोलेनाथ की सोगन पंडित जी, हमने घंटा यही रखा था यहाँ पे। हाँ यही रखा था। अरे तो कहाँ चला गया यहाँ से? न
नास मिट्टी कोई भी काम ढंग से नहीं करती है। अरे ढूंढ घर में ढूंढ कहाँ गया? ढूंढते हैं पंडित जी। ढूंढते हैं। ए भगवान, ये क्या भूत बनकर आए हैं आप? ये तूने क्या किया? अरे तुझे मेरे पीछे आने की क्या जरूरत थी? और वो जो आप आपका सामान छोड़कर गए थे उसका क्या करते? अरे सामान तो दोबारा जाता पंडित जी, लेकिन घंटा आप कहाँ से लेकर आएंगे बताओ ना। अब कहाँ होगा पंडित जी हमारा? ठाकुर साहब का घंटा था, छोटा मोटा घंटा नहीं था, सोने का घंटा था। पंडित जी, पंडित जी, पर घंटे के बारे में तो किसी को पता ही नहीं था, तो घंटा जा कहाँ सकता है? इसके बारे में तो एक ही व्यक्ति जानता था, वो है कुत्ता कमीना हरामी लुच्चा सचे। क्या हुआ बेटा? शुभांगी की दादी का देहांत हो गया है। ओह, हेलो। हाँ माँ जी। हाँ बेटा, धीरज रखो और दशरथ लाल जी का भी ध्यान रखो। हाँ। इस वक्त उन्हें तुम्हारी हिम्मत की बहुत जरूरत है। हाँ। और देखो, अभी यहाँ मत आना। हाँ। जब मैं कहूँ तो मुहूर्त वाले दिन यहाँ आ जाना। जी माँ जी। वीरेन, कल सुबह ही जाकर पंडित जी से पूछो कि उन्होंने मुहूर्त कब का निकाला है, ताकि झटपट ये काम हो और हालात ठीक हों। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओह, अरे ये क्या, ये तो वीरेंद्र बाबू आ रहे हैं। अगर कहीं उन्होंने घंटे की पुष्टि तो भागो। अरे कहाँ जाओ? अरे यहाँ नहीं। अरे पंडित जी, क्या ढूंढ रहे हैं? घंटा। घंटा? वो तो आपके घर पर होगा ना। अरे वो घंटा, घंटे चढ़ाने का मुहूर्त ढूंढ रहा था बेटा। तो मुहूर्त मिला? अरे मिल गया ना बेटा। क्या बात है, कब का निकला है? अरे हम आज से चौथा दिन का। वेरी गुड पंडित जी, यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया। आज बेटा, आज भोले शंकर की जय हो। भगवान अपनी दया दृष्टि इसी तरह बनाए रखना और मेरे माता पिता के विश्वास को भी कायम रखना। ठीक है पंडित जी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ये प्रसाद लेते जा, ये भोले बाबा का फूल भी लेते जा, है पूजा में रख दियो। ठीक है जी। भगवान, जैसे तूने मुझे आज बचाया है, वैसे तू हमेशा मुझे बचाना। जरूर एक घंटा चुराने की हरकत सचिव की होगी। अगर उसने मजाक में भी यह हरकत की होगी ना, तो उसका ऐसा घंटा बजाऊंगा कि जिंदगी में मजाक करना भूल जाएगा। पंडित जी हटो। अरे बाप रे, भागो यहाँ से। बच गया घंटा। आज नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। पास पता ना, नहीं तो सर फोड़ डालेंगे। देख गौर से, हम पंडित हैं पंडित। पंडित पंडित, ये क्या होलिया बना रखा है? अरे क्या करे, एक लड़की ने साइकिल से टक्कर मार दी और कीचड़ में पटक दिया हमको। अरे तो इसके पीछे कहाँ पड़े हो? अरे यही तो है पनौती, यही तो है। बताओ सचिव, हमारा घंटा कहाँ है? वही पे ढूंढो, वही होगा पंडित। अरे शर्म करो, अरे मंदिर पर लटकाने वाले घंटे की तुलना तुम किस चीज से करते हो? अरे इसका नाम तो कुछ और है। क्या है? देख, वीरेंद्र बाबू ने घंटा हमारे घर पर रखा था, ये
बात तू जानता था, बता दे घंटा कहाँ है। अरे तो हमें क्या पता, तुम्हारे घर पे ही होगा। नहीं तो फिर तो छूट बोला, छूट बोल। देख बता दे, तेरे सिवा कोई नहीं जानता था कि घंटा हमारे घर में है। और जब से घंटा चोरी नहीं हुआ था, तब से तो हमारे घर के आस पास मरना रहा था। हम बोल घंटा बता दे, बोले शंकर की कसम खाकर बोलते हैं, हम मजाक जरूर करते हैं, उस घंटे के बारे में मैं कछु नहीं पता, कछु नहीं जानते, सच बोल रहे हैं हम। हार दियो तो। सरपंच भोले बाबा की कसम खा रहा है, सचिव सच बोल रहा है। सचिव सच बोल रहा है, सचिव सच बोल रहा है। इसका मतलब घंटा सही में चोरी हो गया रे, घंटा सही में चोरी हो गया। ए पंडित, थोड़ा सा धीरज धरो, पुलिस में रिपोर्ट लिखा देते हैं। ये सही रहेगा हाली तो, ये सही रहेगा हाली तो। ना सुमिटे, पिछली बार चांदी का घंटा चोरी हुआ था तो इंस्पेक्टर साहब ने शक के आधार पर हमें अंदर करने की बात कही थी। अब हमारे घर से सोने का घंटा चोरी हुआ है, अब तो वो पूरे अंदर कर देगा। तो चोर कैसे पकड़ा जाएगा। एक आइडिया है हमारे पास। कौन सा? एक काम करते हैं, अपने घर पे खाने पर सबको बुलाते हैं, सबको पीले चावल देंगे, जो चोर होगा बेहोश हो जाएगा। सुनो 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 सभी ग्रामवासियों सुनो, हमारे मंदिर के पंडित ने यह ऐलान करवाया है कि कल गांव में कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा, इसलिए उनके घर में खाने का निमंत्रण है। सभी ग्रामवासी कल वहां उपस्थित हो। क्यों जी, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम सारे गांव को खिला सकें? मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा पंडित, जरूरत पड़ी तो सरपंच से ले लूंगा, लेकिन मैं उस घंटा चोर को जरूर पकड़ूंगा। अगर फिर भी चोर ना पकड़ा गया तो? फिर भी अगर चोर नहीं पकड़ा गया तो अपना घर, अपनी जमीन, अपने खेत सब कुछ बेच देंगे। पूर्वजों की जमीन को आप बेच देंगे? मूर्खों की जमीन उनकी इज्जत बचाने के काम आ जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? और हमारे आगे पीछे कोई भी तो नहीं है, अगर हमारी संतान होती पंडिताए तो हम सोचते ना, छोड़ कर चले जाएंगे हम सब कुछ। यार सरपंच, हाँ सारी पूंजी लगा दी हमने, हाँ है ना, हाँ कहीं चोर नहीं पकड़ा गया तो क्या होगा? अरे टेंशन मत लो, अच्छा सब हो जाएगा। चलो ठीक, अरे राम 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 राम। जय राम जी की पंडित जी। अरे हरिया तू आ गया, जय राम जी की। पंडित जी हाँ? क्या बात है, ये खाना किस खुशी में, कहीं पंडिताइन की गोद बढ़ाई की रस्म तो नहीं है? ये बहुत मजाक करता है। अरे इस उम्र में गोद बढ़ाई कहाँ से होगी भाई, मंदिर में सोने का घंटा चढ़ा रहे ठाकुर साहब, तो हमने तय किया कि घंटा चढ़ने से पहले भोजन का कार्यक्रम किया जाए, कोई कार्य किया जाए। तो हमने सारे गाँव वालों को बुला लिया, जा जा खा। जी पंडित जी। अरे शोभा को लाया तू? वो आ रही है। अच्छा ठीक है ठीक है, काका राम राम, भोजन करके जाना है। लो पंडित, पीले चावल आ गए। नमस्ते सरपंच भाई। ये तुम पकड़ लो, ये लो, ये तुम। नमस्ते। आओ भाई, आ जाओ भैया, एक एक करके आ जाओ।
बाबे, इतना खर्चा कर दिया, चोर तो कोई दिखला ही नहीं। किस चोर की बात कर रहे हो पंडित जी? चोर सिपाही खेलने की बात कर रहे थे। मन कर तो डालो बेटा, कोई बात नहीं। पंडित तो गया। घबराइए मत पंडित जी, पंडिताइन मुझे पूरी दास्तान सुना चुकी है। क्यों? किसलिए? तो क्या करते, आपको अंदर ही अंदर घुटने देते का? अरे 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 नास बेटे, तो जानते नहीं है इंस्पेक्टर बहुत खतरनाक है, हमें उल्टा लटका देगा। उल्टा लटका देगा। अब सब कुछ जानने के बाद सवाल ये उठता है कि इतनी महंगी चीज आपके घर से चोरी होने के बाद भी आपने रिपोर्ट नहीं लिखी, और चोर पकड़ने के लिए आपने पूरे गांव वालों से पीले चावल छुए ताकि चोर बेहोश हो जाए और आप उसे खुद पकड़ सके, लेकिन उल्टा हो गया, किसी और के बेहोश होने की बजाय आप खुद बेहोश हो गए, और इससे ये साबित होता है कि चोर आप हैं। मैं क्या कर चोर? मैं कोई चोर बोल रही हूँ? देख देख पंडित जी, तूने बर्बाद किया ना मेरे को, क्या लो तू बोलेगी? टेंशन मत लो पंडित जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें हवालात में डालकर इंडोस्कोपी करके जबरदस्ती मनवा सकता हूँ कि तुमने सोने का घंटा बेच खाया है। नहीं, 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 नहीं। लेकिन अब सोचना यह है कि अगर घंटा तुमने नहीं चुराया तो गांव के जितने भी लोग आए थे उन्होंने भी घंटा नहीं चुराया। आपकी सूची के अनुसार जो लोग खाना खाने नहीं आए वही चोर है। सही बात है, सही बात है, सही बात है। मुझे तो पता था, पहले से पता था कि आप बहुत समझदार हैं सर। मैं तो कहता हूँ वो लिस्ट चेक करवाइए, जो लोग लिस्ट में नहीं आए थे ना उन्होंने ही घंटा चुराया होगा। साहब साहब, कुछ और भी लोग हैं जो खाने पर नहीं आए हैं, छोटे ठाकुर का परिवार, बड़े ठाकुर का परिवार, चक्की फपूंद। लेकिन हमें एक पर शक है प्रीतम, पूरे गांव के सामने हमें धमकी दिया था कि मंदिर में सोने का घंटा तो वही चढ़ाएगा। हाँ साहब, बिल्कुल सच बात है ये। ज्ञान सिंह, राम सिंह, यस सर, पता करो प्रीतम कहाँ है। ठंडी हवाएं खिलाफ ससुरी, काका चिलम को आग चढ़ाओ, अरे कोई तो जाके अंगीठी चलाओ। दिसंबर की सर्दी मार कड़के, ओढ़ मुझको रजाई पलके। दिसंबर की सर्दी मार कड़के, ओढ़ मुझको रजाई पलके। क्यों दूर से देखे सर्द नजारे, छोड़ नजर, छोड़ ली हाफ मुझे आज मार।
मुझको रजाई बना के दिसंबर की सर्दी मार कड़ाके ओढ़ ले मुझको रजाई। अरे इंस्पेक्टर साहब तुम और यहाँ, तुम भी शौक रखते हो क्या? नहीं, मैं तो शौकीन लोगों को पकड़ने का शौक रखता हूँ। मतलब? मतलब कल पंडित के घर से सोने का घंटा चोरी हो गया, जो दो चार दिन पहले ही वीरेंद्र शहर से लेके आया था। तो ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हो भाई? वो इसलिए कि घंटा चढ़ाने के दूसरे दावेदार तुम हो, और इस बात को लेकर पंचायत में तुम धमकी भी दे चुके हो। तो आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि घंटा प्रीतम ने चुराया है, और आप पूछताछ करने यहाँ पर आ गए, और मैं आपको बता दूंगा कि मैंने घंटा कहाँ रखा है। जाइए और जाकर सबूत और गवाह लेकर आइए। मैं इंसानियत के नाते पूछने आया हूँ। वैसे जिस दिन मेरे पास गवाह और सबूत होंगे, मेरे पूछने का तरीका भी अलग होगा और कानून के दायरे में बात होगी। अरे इतना ही कानून जानते हैं तो मेरे पिता के हत्यारे बड़े ठाकुर को अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया? प्रीतम बाबू, कानून सबके लिए बराबर है। बड़े ठाकुर होश में आएंगे तो उन्हें कानून नहीं बख्शेगा। लेकिन अगर घंटा तुमने चुराया तो तुम्हारे ऊपर केस जरूर दर्ज होगा। अरे तब की तब देखी जाएगी, फिलहाल आप मेरा रास्ता रोक रहे हैं, मुझे घर जाना है। मैं बहुत थक गया हूँ। और हाँ, वीरेंद्र से कहना अगर उसकी औकात ना हो दूसरा घंटा चढ़ाने की, तो प्रीतम उससे बड़ा सोने का घंटा मंदिर में चढ़ाएगा। शुभरात्रि। दिसंबर की सर्दी सर्द कड़ाके मुझको रजाई बनाके। सर ये तो हमारे सामने ही टांग ऊंची करके चला गया, उल्टा हम पर ही सुसु कर गया। फालतू की बात बंद कर और राम सिंह और ज्ञान सिंह को बोल के फपुंद को ढूंढ कर लाए। यस सर। आ गया। क्या बात है, बड़े चोरने चुराने के गाने गा रहे हो तुम दोनों। यमदूत जी आ क्या कर रहे हो? जाहिर सी बात है बाबा, तेरी आत्मा निकल गया है, तुझे यमदूत ने बुलाया है। इंडोस्कोपी याद है या नहीं? पहले बता मेरा कसूर क्या है? कसूर? सुना है तूने ठाकुर साहब का घंटा चुराया है। मैं क्या करूंगा ठाकुर साहब के घंटे का? वो अस्पताल वालों से जाके पूछो, वहाँ डॉक्टर लोगों के घुटने निकाल लेते हैं। अच्छा, उन्हीं ने चुराया होगा। देखना, उन्हीं के जेब में से निकलेगा। अबे किस घंटे को किस घंटे से मिला रहा है? मैं सोने के घंटे की बात कर रहा हूँ। ज्ञान, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे इमराज के पास ले चलते, वो ही इसको बराबर करेंगे। चल 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 चल। बता घंटा कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब मुझे कुछ नहीं मालूम। तू ऐसे नहीं मानेगा ना ज्ञान? साहब मेरे अंदर आप पूरा करंट भी डाल देंगे तो भी मैं यही बोलूंगा, मुझे कुछ नहीं पता साहब, मुझे कुछ नहीं पता। तेरा ट्रीटमेंट कुछ और सोचना पड़ेगा। ले ज्ञान। देख बेटा, तू कुछ भी चुराएगा तो चलेगा, लेकिन मंदिर का घंटा चुराएगा तो नहीं चलेगा। तू यहाँ मेरे करंट से जलेगा और वहाँ नरक की आग में जलेगा। पीछे देखो। मुबारक हो, ठाकुर साहब को होश आ गया है। सच डॉक्टर? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जरूर, लेकिन थोड़ी देर के बाद, वो भी एक एक करके। ठीक है दीदी, सबसे पहले मैं मिलूंगा। बिल्कुल नहीं, नुक्ता चीनी कर करके उन्हें फिर सताएगा।
नहीं दीदी, इस हादसे के बाद मैं सुधर गया हूँ। मैं जीजाजी को कभी नहीं सताऊंगा। मामा जी। शुभांगी, भगवान ने हमारे घर सारी खुशियाँ भेज दी दीदी। प्रणाम। देखो शुभांगी भी लौट आई। प्रणाम माजी। जीती रहो। कैसी हो बेटी? अपनी दादी से हमेशा के लिए बिछड़ गई। कोई बात नहीं बेटी, यही तो जिंदगी है। कभी गम है तो कभी खुशियां हैं। जीवन चक्र ऐसे ही तो चलता है। उधर तुम्हारी दादी चल बसी और इधर तुम्हारे होने वाले ससुर मौत के मुंह से लौट आए। वीरेन जी, माँ, पंडित जी को खबर करवा दो, मुहूर्त का दिन कल ही है, हम सब आ रहे हैं। जी, मैं खबर करवा देता हूँ। माफ कीजिएगा, अभी ठाकुर साहब की हालत ऐसी नहीं है कि वो कहीं जा सके, क्योंकि उन्हें आराम की बहुत जरूरत है, इसलिए ये काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा। डॉक्टर मंडावरा, यस सर, आप पेशेंट का बीपी चेक कीजिए और मुझे रिपोर्ट कीजिए। ओके ओके सर। पंडित जी, इस वसीयत के मुताबिक आप अपना घर, खेत सब वीरेंद्र प्रताप सिंह के नाम कर चुके हैं। वसीयत तैयार हो गई है, मेरा काम हो गया है, मैं चलता हूँ। नमस्ते। और सोच लीजिए पंडित जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। पंडित अली, वो इतने से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता। इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। हम खानदानी पंडित है, ये पूरा गांव जानता है पंडित। अरे दौलत तो हम कमा लेंगे, लेकिन इसे चली गई ना तो सांस से निकल जाएगी। चिंता इस बात की नहीं कि हमें इस गांव को छोड़ना पड़ रहा है, चिंता तो इस बात की है पंडित कि हमारे भोले की पूजा कौन करेगा। सच तो यह पंडित आई, सच तो यह पंडित आई कि भोले के बिना आप जी नहीं पाएंगे। प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। प्रणाम। क्या बात है, आपने तो 11 बजे का मुहूर्त निकाला था, फिर 2 घंटे पहले क्यों बुलवा लिया? खैर कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, काम बड़ा है, शायद इसीलिए आपने जल्दी बुलवा लिया होगा। चलिए फिर, देर किस बात की, पूजा शुरू करते हैं। लाइए घंटा दीजिए। ये क्या है पंडित जी? ये वसीयतनामा है वीरेंद्र बाबू। वसीयतनामा? हमने अपने गांव की सारी संपत्ति आपके नाम कर दी। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। वीरेंद्र बाबू, आप जो सोने घंटा हमको दिया था वो तो 2 दिन बाद ही चोरी हो गया था। क्या बात कर रहे हैं पंडित जी? हमने बहुत खोजा, बहुत ढूंढा, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिला। और हम तो गरीब आदमी हैं, घंटे की कीमत तो दे नहीं सकते, इसलिए मजबूरी में ये कदम उठाया हमने। और हमने आप सब लोगों को इसलिए यहां बुलाया है कि आप लोग दूसरे घंटे का इंतजाम कर ले और सही मुहूर्त पर चढ़ा दे। माफ कीजिएगा वीरेंद्र बाबू, हम आपके घंटे की रक्षा नहीं कर पाए। पर पंडित जी, वो घंटा तो हमने ही संभाल के रखा था। है? क्या? हाँ, वो घंटा तो आपके घर पर ही है। ये तुम कैसे कह सकती हो शुभांगी? दरअसल वीरेंद्र, जब हम शहर जा रहे थे तो माजी ने कहा था कि पंडित जी के पास होते हुए जाना और उनको अपनी जन्म कुंडली देते हुए जाना,
पर जब हम मंदिर पहुँचे तो वहाँ ताला लगा था, तो हमने सोचा कि हम घर जाकर दे देते हैं। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि दरवाजा खुला हुआ था और वहाँ भी कोई नहीं था। पंडित जी, लगता है घर में कोई नहीं है। फिर हमारी नजर सोने के घंटे पर पड़ी, तो हमने सोचा क्यों ना इसे छुपा दिया जाए। सोचा बाद में वीरेन को फोन करके बता दूंगी। ये ठीक है, इसलिए हमने उसे फूलों के बोरे में रखकर अंदर छुपा दिया। उसके बाद जब शहर गए तो दादी का देहांत हो गया और उस गम में हम सब कुछ भूल गए। अरे पंडित, फिर हम यहाँ क्यों खड़े हैं? घंटा लेने चले? चलो जल्दी चलिए। अब समझ में आया, शुभांगी के जाने के बाद वो घंटा हमें क्यों नहीं मिल रहा था? अरे शुभांगी बेटी जल्दी आ। हाँ। आ बता बेटा, शुभांगी बेटी का बता घंटा कहाँ रखा? अरे पंडित जी, हा? बोरा कहाँ गया? मैंने तो यही रखा था। लीजिए क्या? अरे अरे पंडिताइन, अरे पंडिताइन, अरे बासी फूलों से भरा हुआ बोरा कहाँ चला गया? पंडित जी, जब खेत मकान और घर ही हमारा ना रहा तो हम उन बासी फूलों के बोरों का क्या करेंगे? अरे अरे मेरे पुराने फिल्मों की निरूपा रहा है। अरे टेंशन से बाहर निकल और ये बता कि बोरा कहाँ है। वो बोरा तो हमने जग्गी फपून को दे दिया। काफी देर हो गई है, अब तक तो आ जाना चाहिए था। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मैं ही जाकर देखती हूँ। कहाँ चल दी बड़ी ठकुराइन, उर्फ हमारी बड़ी माँ? उन लोगों को घंटा लेकर आ जाने दे। जब मैं अपने हाथों मंदिर में घंटा चढ़ाकर अपने पिताजी की अंतिम ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा, तब खुद आपको जाने की आज्ञा दे दूंगा। वो रहा था कि फफून। चलो चलो देखते हैं। चलो चलो चलो। हट हट। कौन है भाई? अब मैं हूँ पंडित पुरनैया। पुरनैया, तू मैं क्या करूँ? चल जाके कीचड़ में चला नैया। मैं तेरी पार करूंगा नैया। चल बता बता क्या है घंटा? किसका घंटा? कौन सा घंटा? ठाकुर साहब का घंटा और किसका घंटा? जिनका घंटा उन्हीं से पूछो, उन्हीं के पास होगा। ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको तो पुलिस के पास लेके चलो। मैं पूछती हूँ। जग्गी बेटा, कल मैंने तुझे 50 रुपए देकर के कहा था ना कि ये फूलों का बोरा ठंडा करके आ जा। वो तो मैंने तालाब में फेंक दिया था। ला, जल्दी ला। पंडित, इसमें तो कचरा पड़ा हुआ है। इसमें तो घंटा था, घंटा कहाँ गायब हो गया? पंडित, तुम सब ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। पता इसमें घंटा कहाँ चला गया? देख जग्गी, अब हद हो गई है। सीधे सीधे बता दे कि घंटा कहाँ है, वरना इसी तालाब में डुबोकर तेरी जल समाधि बना दूंगा। समझा? इधर तुम लोग मुझे घंटा चोर बोलते हो। कहीं भी घंटा चोरी होता है तो इल्जाम मुझ पर लगता है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मारो साले को। पंडित जी, तुम सबको घंटा चाहिए ना? अरे तो हम क्या तालाब से मछली पकड़ने आए हैं तेरे पास? तो चलो मेरे साथ। चल बोलो मेरे। चलो मैं आता था, इससे पूछो घंटा कहाँ है। अगर ना बताए तो इसकी हमसे ज्यादा धुलाई करो, इसी के पास निकलेगा घंटा। बता रहे घंटा कहाँ है? अरे अरे, आप भी कैसे बेवड़े की बातों में आ रहे हो? ये तो दिन भर झूठ बोलता रहता है। और सोने का घंटा हमारे पास होता तो हम उसे बेचकर लखपति ना बन गए होते।
ए भंगारी, तुझे कैसे पता कि हम सोने का घंटा ढूंढ रहे हैं? बात मैंने कहा था ना इसी के पास घंटा निकलेगा, उसकी तब तक खिंचाई करो जब तक ये सच नहीं बोल देता। मारो साले को। बस करो बता दो वो सामने वाली पेटी में देखो, जाओ देखो। हे भंगारी, ये सोने का घंटा कहाँ से चुराया? ये फफूंद हमेशा मेरे यहाँ आकर बैठता है और दारू पीने के लिए कुछ ना कुछ बेच कर ही जाता है, और उस दिन भी फूलों का बोरा लेकर आया था। और बस उसी दौरान मैंने घंटा चुराया था। तुम्हें शर्म आना चाहिए, भोले का घंटा चुराते हैं। हाँ नहीं तो फिर पंडित जी अब हमें चलना चाहिए वरना मुहूर्त निकल जाएगा। हाँ बेटिया, तुम सही कहते हो। चलो वीरेंद्र, चलो आ जाओ, वीरेंद्र बाबू वीरेंद्र बाबू रुक जाइए। क्यों? मंदिर में खतरा है। प्रीतम ने मंदिर के चारों तरफ बम बिछा रखे हैं और माँ जी को किडनैप कर रखा है। उसकी इतनी हिम्मत, वो मेरी माँ को छू भी नहीं पाएगा। मुझे कसम है ठाकुरों के खून की, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। प्रीतम, तुम जाओ अपना जाओ। अबे इतना बारूद बिछाए थे, इतना बड़ा बड़ा बम रखे थे, तुम बच कैसे गए बे? ठकुरा इनको भी बचा लिया और मेरे आदमियों को मार डाला। बहुत थक गए होगे ना, जाओ आराम कर लो और घंटा हमें दे दो, नहीं तो तुम्हारी प्रेमिका को यही। अगर शुभांगी को एक खरोच भी आई तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। Hey! Hey, बता घंटा कहाँ है वरना यही तेरी प्रेमिका का अंत प्रीतम के हाथों हो जाएगा। बेटा बोल। पंडित, आओ पंडित आओ। बहुत फैसला सुना लिए, अब फैसला होगा प्रीतम का समझे? राम सिंह, ज्ञान सिंह, क्या खबर है? अब उस प्रीतम के खिलाफ हमारे पास सबूत भी है
और गवाह भी। अब वक्त आ गया इस कहानी का अंत करने का, चलो। सर एक मिनट, आजा आजा। सर हरिया आपको कुछ बताना चाहता है। साहब मुझे पता है इस वक्त प्रीतम कहाँ है। प्रीतम, इस अंत्य की महत्वता को समझो। मंदिर की पवित्र चीजों में से एक है ये। बाया नहीं, दाया हाथ आगे बढ़ाओ। ऐसा क्या है? घंटा रख। अबे बहुत मारा बे, अपने भाई को कोई इतना मारता है क्या बे? अगर कोई आगे बढ़ा तो इस लड़की को उड़ा दूंगा। प्रीतम वहीं रुक जाओ, मैं तुम्हें गजानंद के खून के इल्जाम में और मंदिर से चांदी का घंटा चोरी करने के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। है कोई गवाह, कोई सबूत? ये रहा सबूत। बरसों पुराना चांदी का घंटा तुम्हारी हवेली से बरामद हुआ है। और गवाह चाहिए? हवलदार लेके आओ उसे। मैं वही औरत हूँ जिसके पति गजानन को तूने बेदर्दी से मार डाला। उस रात घंटा चुराने के बाद यही मेरे पति का पीछा करता हुआ वहाँ तक आया था। मेरे पेट में पल रहे बच्चे की इसने जान ले ली, उसे मार डाला। लेकिन उससे पहले मैंने इसका नकाब खींचकर इसे पहचान लिया था। यही था जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की और भाग गया। मरते मरते मेरे पति ने मुझे सब बता दिया था। मैंने मारा गजानन को और घंटा भी मैंने ही चुराया था, क्योंकि मेरे पिताजी चाहते थे कि मंदिर में सोने का घंटा चढ़ाया जाए। लेकिन उसके पहले ही बड़े ठाकुर ने सोने का घंटा चढ़ाने का प्रण लेकर हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। लेकिन अब इस मुकाम पे आके मैं पीछे नहीं हटूंगा। इस मंदिर में सोने का घंटा तो मैं ही चढ़ाऊंगा। चढ़ाने का प्राण हमने लिया था, इसे हम ही चढ़ाएंगे, क्योंकि अभी भी हम जिंदा हैं। हट जा।
उठ। कानून की मदद के लिए शुक्रिया ठाकुर साहब। छोड़ूंगा नहीं। ठाकुर साहब अब इस मंदिर में एक नहीं दो दो घंटे चढ़ाने होंगे। ठाकुर साहब दूसरा ये। अरे तो सोने पे सुहागा हो गया। जीजाजी दादाजी का घंटा मिल गया। चुप रहे। दादाजी का घंटा नहीं दादाजी का निशानी घंटा। वाह जीजाजी अब आप भी नुक्ताचीनी करने लगे। अभी आपके साथ रहेंगे तो नुक्ताचीनी करेंगे ना। क्या करें आदत से मजबूर जो हो तुम। चलो अभी बहुत काम है घंटा चढ़ाना है। सुनिए आज से हमारे गांव में किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आएगी। ठीक कहते हैं ठाकुर साहब अब हमारे गांव में किसी भी तरह की विपदा नहीं रहेगी। बोला शंकर की जय। बोला बाबा की जय। शिक्षक हो के जय। Shut up!